नमस्कार आज की हमारी चर्चा का विषय है डर भय फियर गुरु जी ओवर टू यूल फियर बता रहे थे क्यूँकी बता रहे थे तो, तो तुम फियर को हमेशा रखोगे तो थॉट से फियर आता है थॉट ही फियर है थॉट पता है मैं अभी थोड़ा सा दूसरे लाइन में आई ये फियर जो है वो एक स्लाइस है थॉट का जैसे यूजी बता रहे थे एक्सपीरियंसेस तुम्हारा जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है सब कुछ है वो सब कुछ इसलिए डिसमिस कर रहे थे वो बोल रहे थे सब थॉट के अंदर है अच्छा। अब थॉट क्या है सब मेडिटेशन और इन सब में ये बताया कि थॉट्स को वॉच करो अब कौन वॉच कर रहा है थॉट ही वॉच कर रहा है <laughs> तो तुम ही थॉट हो तो डिपेंड्स कि तुम थॉट को किस क्या बोल रहे हो मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ राइट right? जैसे बहुत पहले कॉन्वर्सेशन स्टिक हो गया था मुझे हाँ. जो एक टीचर थे वो एट नाइन्थ स्टैंडर्ड में एन टी या कुछ एग्जाम रखता है जो नेशनल टैलेंट सर्च जैसे कुछ तो रहता है चाँ. उसके लिए वो क्लास करते थे हाई स्कूल में फ्री में जो हमारे स्कूल वाले ही करते थे तो उसमें एक केमिस्ट्री टीचर आता था, था काफी एक्सेंट टाइप था तो मुझे उन्होंने जो सिखाया कुछ भी याद नहीं है बस वो याद है कि वो बोल रहे थे कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बुला सकते हो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बुला सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता करके है। हाँ तो वो डेफिनेशन है कुछ तो थॉट क्या है, पे कर रहा है मुझे but लगता है अगर कॉन्वर्स uh, करोटी जो बोल रहे थॉट को छोड़ के तुम नहीं जा सकते हो या सब कुछ थॉट के अंदर ही है तो और तुम थॉट हो इसका मतलब दूसरा एंगल से तुम देखा जाओ तो थॉट ही है जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअली एग्जिस्ट जो करता है वो थॉट ही थॉट भी मैटर है इनफैक्ट थॉट उस मामले में तुम देखा जाए तो थॉट इज लिमिटलेस है कई बार यूजी का वीडियो देख के ऐसे लग जाता है कि अरे थॉट तो मतलब विलन है है ऐसे नहीं थॉट थॉट इज इज द ओनली थिंग ही एक चीज है और वो चीज में हम ज्यादातर क्यर करते हैं कि यू नो वो एंड ना हो जाए तो मतलब थॉट ही डर रहा है कि वो एंड ना हो जाए इसीलिए थॉट ने डर बना के रखा हुआ है हाँ डर तो एक मेक मैकेजम शुरू हुआ है ना डर इसलिए डर का मतलब क्या है एक्शन आता है उसकी वजह से और फ्रीज होना भी एक, एक एक्शन ही है वैसा देखा तो।, तो डर बहुत अटैक करता है या, लेकिन वो डर तो बहुत लेयर बन चुका है ना सर्वाइवल वाला डर तो जरूरी है जैसे यूजी ने क्लियरली ये बताया की सम आर नेसेसरी जैसे हाइट का फियर होता है बिल्लियों के साथ यही होता है बिल्लियों के साथ होता है कि उनका हाइट से उनको नहीं है फियर तो कई बार ऐसे खेलते खेलते वो गिर जाते हैं हालांकि बिलियो के पास एक और स्किल है कि वो हमेशा एयर में टर्न करके चार इसमें लैंड, हाँ, तो लैंड करते हैं उनके तो क्या पता है कॉन्वर्स बोल सकते हैं उनको इसीलिए फेयर नहीं है उनको पता है कि मैं लैंड कर लूंगा फिर मुझे एक चीज हिट हो रही है किसी भी चीज की कोई एबिलिटी नहीं है जैसे हमें नेचुरली हमें स्विमिंग नहीं आती है नेचुरली हमें उड़ना नहीं आता ऑब्वियसली नेचुरली हम जैसे माउंटेन वगैरह नहीं क्लाइंब कर सकते हैं हमें नेचुरली मतलब कुछ भी नहीं आता है अब क्योंकि जैसे अगेन तुम्हारा डेफिनेशन पे होता है ना नेचुरल क्या बोल रहे हो तुम मुझे तो नेचुरल क्या है वो भी पता नहीं है नेचुरल इन द सेंस कि जैसे बिल्लियों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता है लेकिन मैं उन्हें पानी में फेंकूंगी तो उन्हें पता है ऐसे ऐसे करके वो आ जाएंगे इंस्टिंक्ट कुत्ता भी आ जाता है करंट इंस्टिंक्ट में हाँ करंट जैसे बहुत सारे जानवर हैं उनको आई डोंट नो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको तुम पानी में फेंकोगे की वो नीचे बॉटम में जाके डूब जाए ये प्रोवन है की बच्चों को आता है जब पैदा होता है तो बच्चे को आता है क्योंकि बच्चा पानी के अंदर रहता है अंदर पेट में पेट में

उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सर्वाइवल ही फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल ऐसे नहीं है कि डीप uh, सेंस में सर्वाइवल क्या है जैसे बॉडी एनी वे है जो अज्यूम करो कि ये फियर मैकेनिज्म जो बिल्ड हुआ है वो इतना क्यों वो बिल्ड किया है उसने कि इट नोस उसका क्या फायदा है जो बिल्ड हुआ है जो जानवर को राइट सो right? so, तो ये ये भी शायद थॉट से ही शुरू हुआ है राइट टू एग्जिस्ट इस क्या बोला था कि फियर जो है एक मैकेनिज्म uh, है बस जो मोड uh, को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए चीजों को इट डजेंट मैटर कि वो जानवर मर भी जाए तो मरा नहीं है वो राइट right? कि कंटिन्यू हो रहा है वो तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से मर गया है वो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अनलेस तुम्हारे पास नॉलेज है कि ये मौत होने वाला है हुँ. उस डर का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है मैं देख ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्वाइवल हमने लिंक किया है हमने देखा है कि अरे ये गिर गया मर गया मरना बुरा होता है खत्म होता है इतना सब कुछ प्रोसेसिंग से हुआ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो जैसे मुझे लगता है कि जानवर उतना नहीं सोच रहा है मैं मर जाऊंगा करके नहीं कर रहा है यू नो है है वो साइड अच्छा। इफेक्ट कि मरना ना मरना इस किताब में लिख रहे हैं अच्छा ऐसा ऐसा है कि फियर जो है वो इमीडिएट रेस्पॉन्स है बस उसका कोई बहुत ज्यादा मकसद वगैरह कुछ नहीं है अच्छा इतना बड़ा कोडिंग नहीं है फिर ये क्वेश्चन आएगा ना एक ही लेवल में क्यों तुम रुक रहे हो तो सर्वाइवल क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल वाला क्यों है जैसे तुम बोल रहे हो इंस्टिंग से है तो सर्वाइवल भी तो एक इंस्टिंक्ट ही है उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ कोडिंग नहीं है जान जब निकलने वाली होती है या जान को जब खतरा होता है उस डर से जानवर भी कुछ ना कुछ करता ही है हाथ पैर तो मारता ही है बट मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ये आउटसाइड वाला व्यू है कॉज एंड इफेक्ट वाला जो हो रहा है ना लिंक कर रखा है ऐसे चीजों को फाइट बैक इज डिफरेंट है थिंक मुझे अभी भी हिट हुआ ये कि ऐसा नहीं है कि जानवर ने ये सोच लिया है कि अभी मेरी जान निकलने वाली है करके वो नहीं कर रहा नहीं कर रहा बस इंस्टेंटिवली बटन इट्स लाइक ए बटन की प्रेस की तरह है जो बंदर वाला ये बटन दबाती है वैसा ऐसा ताली बजाते वाला है मिलता था ना वैसा हाँ। इतना सा सा ही ही है है उसमें ओके हाँ। उतना है। इतने ज्यादा नहीं है लेकिन ये जो यूर फियर एंडिंग ऑफ ईयर ये जो बता रहे थे वो ये है कि वो कांस्टेंट मैकेनिज्म चलते ही जा रहा है कोई बटन हमेशा ही ऑन है वो हमेशा ही दबा जा रहा है फ्लाइट और फाइट फ्लाइट रेस्पॉस उसके पीछे मार्केटिंग है ना सब कुछ हमारी तो पूरी दुनिया उसी पे टिकी है नहीं उसको हटाने के चक्कर में जो मार्केटिंग है अच्छा हाँ, वो भी, e. के भी बहुत सारा चलता है इंश्योरेंस मैं हाँ मैं कमर्शियल मार्केट की बात कर रही हूँ जैसे इतने सारे जो गोल्स हैं वो भी इसीलिए हैं कि अरे भाई मर जाएंगे मर जाएंगे इतना ही टाइम है इतने दिन के लिए बहुत छोटी जिंदगी है करके उसके पीछे ही सारी दौड़ लगी हुई है दूसरा इंश्योरेंस वाला जो तुमने बताया वो भी उसके पीछे मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग इज बिकॉज ऑफ दैट की सब जगह घूम लो मर जाएंगे वही मैं बता रहा हूँ कि बार बार उस उसपे चला जा रहा है कि यू कैनोट सेपरेट फियर विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस

बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि मर जाऊंगा करके उसको कुछ फियर है इनफेक्ट हाँ, कई सारे फियर तो है ही नहीं उसके पास वो बाद में किया गया उस फियर मैकेनिज्म फियर मैकेनिज्म को ट्रेन कर सकते हैं नेचुरल जो इनबिल्ट रेस्पॉन्स वाला फियर जो है वो फियर नहीं है ये जो बता रहे हैं फियर यू आर फियर फियर एंड तुम इसलिए खत्म हो जाओगे करके जो बता रहे थे ना क्योंकि हाँ तो वो फियर अननोन फियर जो कुछ हमने बना रखा है कि सब सब चीजों में वो आ रहा है कि डरा हुआ है कि कुछ यू uh, नो you know, हो जो कुछ हो जाए कुछ ना हो जाए गॉड फियरिंग बोलते हैं ना इसीलिए गॉड फियरिंग वही मॉरल मैन वाला ही हुआ कि हाँ, जो दर -दर के सब कुछ सजा मिल जाएगी पनिशमेंट हाँ, के पीछे गॉड फियरिंग है ना कि गलत करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस है और कुछ नहीं तो हेवन नहीं मिलेगा जो किसी ने देखा ही नहीं है बैक टू फियर कहीं और ही चला गया था ना मैं थॉट के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो फियर बता रहे थे वो जो थॉट के अंदर एग्जिस्ट करता है राइट right? क्योंकि वो जनरेटेड फियर वाला है वही पर टैप कर रहा है वो जो अंडरलाइन जो रेस्पॉन्स मैकेट एवर रीजन राइट वो बिल्ट इन है रेस्पॉन्स उसमें right? हाँ. जैसे कई बार जो अभी मैं सोचा था ना ये फायर के बारे में राइट सो फायर उन्होंने बोला था यूज कई किसी वीडियो में बोला था कि फायर दे कूडेंट कंट्रोल राइट right, uh, हाँ, so, फिर भगवान हो गया कि फिर जो कंट्रोल नहीं कर पाए तो काइंड ऑफ फियर वो बना ग्रो हुआ बट hmm. नैचुरली भी लेकिन वो चला गया है फायर का फियर एक्चुअली चला, गया है।, हाँ, तुम हमें देखा दे चला गया है तो हमें हाँ। चला गया है बट प्रोबेबली एक टाइम पर नेचुरली था वो बहुत सारे नेचुरली है वो दूर से देखो कुत्ता उसको सेंस होता है और बहुत सारे जंगल में जानवर भी हैं जो कहीं आग जलाओ है, करते है।, है। वो भी किसी ऑटोमेटिक नहीं, नहीं कर सकते राइट कि कैसे हुआ है क्योंकि वो इंस्टिंग लेवल पे है अच्छा वो वाला इंस्टिंग पे है जो जानवर कर रहे हैं रिएक्ट वही डिमार्केशन समझना इज द डिफिकल्ट थिंग राइट हमेशा की हाँ। अब थॉट क्या है ये जो प्योर कॉन्शियसनेस लाइफ एनर्जी कुछ वो बोल रहे थे ना वो यूजी हमेशा हाँ। कुछ रेफर करते वक्त उस उसपे थोड़ा देते थे अः हाँ।

अच्छा दूसरा एक चीज मैं भी सोच रही थी की बच्चों का जो तुम बोल रहे हो ना बच्चों को तो फेयर नहीं रहता आई डाउट की हाइट का भी कोई फियर है बचपन में मुझे याद है मैंने कई बार ये भी देखा था की कुछ गर्म चीज है उसको पकड़ लिया बच्चे ने और छोड़ भी नहीं रहे सिर्फ चिल्ला रहे पकड़े हुए उसी गर्म चीज <laughs> चीख रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है बट छोड़ तो भी नहीं रहे हैं really लेकिन आ, ये भी है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तब बच्चा फिर उसके लगता है क्योंकि उसको कर कर था। लेता है तो ऐसे थियरी अब लग रहा है कि कुछ चीजें जो हमने इंस्टिंग मान लिया है हाँ। वो भी डेवलप ही हो रहे हैं क्या पता हाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम फर्स्ट एक्सीडेंट के बाद मेमोराइज किया है और उसके बाद रिएक्शनरी है वो ऐसा मुझे जब एनीवे वो रिएक्शन इन है रिगार्डलेस क्या -क्या एलिमिनेट कर दोगे सब कुछ। लेकिन हमेशा ये बिल्ड होने से पहले स्टोरी पहले बन रहा है, <laughs> पहले पहले बन रहा है। वही। वो क्यों है तुम्हारा फियर कौन सा फियर सही है कि नहीं है करके बट उसमें वही ट्रिक हो जाता है कि वो डिमार्केशन नहीं है ना जैसे जो सर्वाइवल के लिए चाहिए जो क्लियरली वो वाला फियर भी बिल्ट हुआ है अब हाँ, जो जानवर होते हैं बहुत सारी चीजें पॉइजनस है उनके लिए ठीक है जैसे जैसे बेरीज वगैरह ये सब हुँ. तो उनको जैसे अंदर से मुझे नहीं मालूम कैसे है लेकिन उनको पता होता है वो पॉइजनस चीजें नहीं खाते हैं वो कैसे है मुझे नहीं पता की मैं जानवर नहीं हूँ जानवर हूँ लेकिन <laughs> वो नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है हाँ. तुमने जो बोला है कि वो सूंखते हैं और तो स्मेल से कुछ उनको ट्रिगर होता है और वो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं बट और उनका इम्यूनिटी लेवल भी डिफरेंट रहता है ना और जो तुम बोल रहे पॉइजनस चीजें नहीं खा रहे पेड़ वगैरह जो नेचुरल बेरीज वॉइसन के बारे में वो जो है आई डोंट नो अगेन कि उतना उनको पता है कि अरे मैं ये मर जाऊंगा मैं बंदर हूँ ये खाऊंगा तो मैं मुझे उतना तो नहीं उसको नेचुरली पता है इंसेंस ऑफ सेंस सेंस ऑफ स्मेल वाला तो तुम ठीक yeah. कह रहे हो कि नेचुरली uh, अंदर से ऐसा मैंने देखा है कि जो चीज तुम्हें स्मेल अच्छी लगेगी तुम सिर्फ वही खा सकते हो आ, वो, वही वो वही थियरी लगता है तुम्हें ऐसा उसको मैं वही मैं बोलने अब भी बोलने वाला था मैं हा? वो थियरी कितना गलत हो चुका है हमारे लिए क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ जो मोस्ट अमेरिकन लोगों को ब्लू चीज वगैरह कई लोग खाते हैं ब्लू चीज अरे भाई वो डेवलप्ड है लेकिन वो बड़ी गंदी स्मेल आती है सभी सभी डेवलप्ड ही है लेकिन इंसानों को शायद पहले था आई डोंट नो बट अभी जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि डेवलप कुछ भी कर सकता है हमारे यहाँ शायद मोल्डेबिलिटी वाला जो है ना जैसे वो भी करते हैं अडेप्ट तो भी होते हैं राइट जो जानवर जो रहता है हाँ। वो भी थोड़ा थोड़ा अडेप्ट होता है जैसे हमारे यहाँ शायद हमारे स्पीशीज में कुछ ज्यादा ही वो है वो रन में चलता रहता है साइकिल भी छोटा है कि बहुत जल्दी ये हो जा रहा है कि ऐसे नहीं कि तीन चार जनरेशन में हो रहा है हाँ। वो बच्चे को तीन महीने में वो सीख लेगा कि एकदम बदबू गटर जैसा स्मेल करने वाला चीज है इसको भी खाया जा सकता है एंड वो सब तो गंदा स्मेल नॉट नेसेसरली पॉइजन है और हम तो और भी यूज करते हैं ना जो आ, कलर से लेके ये तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो देखा था एक जने बता रहे थे क्लेम कर रहे थे आयुर्वेद समथिंग इसमें कि हमारे सब पूर्वजों ने ना कोई भी ट्रायल एंड एरर करके नहीं पता किया कि ये खा सकते नहीं खा सकते करके अच्छा वैसे तो बहुत लोग मर जाते हैं तो उनको इंस्टिंगटिवली पता था करके ओ तो ये हो सकता है थियर कि कई सारी चीज कई बार लगता है कि ये कैसे पता चला कि इसको खा सकते हैं बंदर तो वैसे तो वेजिटेरियन है तो वो जैसे अडेप्ट हो चुके है कि कुछ और खाने लगे हैं थोड़ा -थोड़ा। तो ये भी थियरी है थियरी नहीं प्रूफ है तुम न्यूज में डियर वगैरह कभी कभी खा लेता है डियर बर्ड खा लेता है अच्छा वेरी रेयर बट खा लेता है कुछ ऐसा बट रीजन अलग है डियर का कुछ रेयर है जो बर्ड खाता है बट जो बंदर जो अडेप्ट हो चुका है ना मीट खाने के लिए ये बस जनरल अडेप्टेशन किया है सोसाइटी के हिसाब से हाँ तो शायद मुझे क्या लगता है कि हमारा कम्युनिटी नॉलेज मेमोरी एंड ट्रांसफर होता है ना डॉक्यूमेंट करके इधर थ्रू शुरू होता है वर्ड्स से वर्ड्स में बनाने का मेन मकसद ही है वर्ड में डालना क्योंकि वो मेमोरी में इंसानों को भी पता था तो लग रहा है कि जैसे जानवर की तरह ही हमें भी थे इंस्टिंग और अब सब खत्म हो गए इसीलिए हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा कि बंद हुआ रही कॉन्स्टेंटली वो आसान होता जा रहा था और तो और तुम और यही से ले सकते हो तो तुम वहां क्यों जाओगे क्योंकि ये वाला जो लेयर जो है थॉट वाले से जो बन रहा है यही यूज कर रहे हैं हम यही ऑपरेट करते हैं हम लोग राइट डोमिनेट हाँ, करते हाँ, तो हैं तो जब बातों से ही चलता है हमारा जो एक्सपीरियंस है राइट जो इन द रेल ऑफ था बोलते हैं एक्चुअली जो जो कुछ भी थॉट है वो हम ही है जैसे ये दो अलग चीज है बोलो जो अयु जी बता रहे थे कि जो तुम्हारा सब कुछ एग्जिस्टेंस है रेलम ऑफ थॉट में है तो वैसे ही तारा जो थॉट है वो जो जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो सिर्फ तुम्हारे में है वो वाला ये आ रहा है फीलिंग की जैसे ना वो ही वाला सेम सेट ऑफ वर्ड्स जो है hmm. नॉर्मल इंटरप्रिटेशन कुछ और रहता है बट अभी कुछ और तरीके से वो समझ में आ रहा है सेट या सबसेट की तरह बात कर रहे हो तुम तो।, तो तुम कह रहे हो कि थॉट जैसे बहुत बड़ा सेट है hmm. और तुम जो हो वो भी पीस ऑफ थॉट हो आर यू सबसेट ऑफ द बिगर थॉट वही सबसेट सेट में ही थिंकिंग ऑब्वियसली लॉजिकली जा रहा है मुझे ऐसा ही समझ में आया था। थॉट है बहुत सारा है थॉट और तुम भी थॉट ही हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है मैं, मैं करके मैं जो बोल रहा हूँ हाँ। वो भी थॉट ही है तो इसीलिए फियर है थॉट कंटिन्यूएशन के लिए

और फिर वो जीन्स में आ चुकी है डीएनए से पास ऑन हो रहा है या वो थॉट में है फियर और हैंगर का सेम ही है अच्छा जैसे वो बोल रहे थे कलर और ये सबसे फियर और एंगर भी वैसे सेम ही है अलग नाम दिया गया है बस जैसे यू जो बोल रहे थे एक्चुअल तुम्हें जब एंगर आएगा तो यू शुड फील इट इट इज अलाइव मे बी अनदर वे टू थिंक अबाउट इज एंगर जो है राइट उसी में फिजिकली बॉडी हैंडल कर ले रहा है वो बता रहे हैं लेकिन वो उसका ट्रिगर्स जो है कुछ भी हो सकता है एंगर रिएक्शन क्यों है वो अलग कई और स्टोरी बन जाता है लेकिन हमारा एंगर हमने क्या बोला था कि हमारा एंगर जो है किसी और तरीके का रिएक्शन है जो किसी और को पीटना चिल्लाना ये सब ये रिएक्शन उसको तो बाहर करने की कोशिश की जा रही है रादर देन बॉडी हैंडल हाँ, करने के लिए डिसिपेट तो वैसे ही है शायद हाँ। कि जो कोर फियर क्या है हम जानते नहीं है हाँ हमें नहीं पता है हम हाँ, तो जानते नहीं, नहीं है कोर फियर पता नहीं है बहुत सारे नॉलेज से ही रेटरी वो के वही लेकिन वही वाला वो टैप कर रहा है क्योंकि वो अलाइव है

बाहर जा रहे हो तो मेरा ये पोजेशन है कोई ले लेगा उसके वजह से कुछ हो जाएगा लॉस है वो प्रशिया से ये सब बहुत ज्यादा है राइट इसको लर्न किया गया है हाँ, ये तो सिखाया सिखाया गया गया है गया है बहुत लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा है इनफॉर्मेशन ये सिखाया गया है हाँ, बच्छी वैसे बच्छी तो बहुत कॉमन सेंड सिंपल चीज है करके लग रहा है बट ये इसका चैलेंज पता चलता है तुम इसको एक मशीन से कराना चाहते हो तो बहुत ज्यादा है मैं ये बोल रहा था फियर जो है ये वाला फियर जो है नॉलेज रिवन फियर में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए उसको शॉर्टकट करके भी तुम सोसाइटी में तुम्हें ट्यून करके रख देगा कि इसमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए सो पैसे जाने पे कैसे रिएक्ट होता है वैसे ही सब लोग रिएक्ट करते हैं हर चीज का प्रोसेस है और बहुत सारी चीज लॉस है एसोसिएटेड है कोई इतना तुम सोचो या ना सोचो अननेचुरल वे में नेचुरली ये हो जाता है सो <laughs> सोसाइटी में कि तुम सीख लेते हो हाँ। किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए करके हाँ। जैसे इयर प्रेशर एक सिचुएशन है ना तुम डर रहे हो कि तुम कहीं पीछे ना हाँ, पीछे ना ना कम जाओ, जाओ, क्योंकि आप वो तो naturally, आ, ये अलाइन होने की कोशिश करता है ग्रुप में राइट mm. कोई भी जानवर हो एवरेज बनने की कोशिश करता है वहां से कितना ज्यादा इेशनल फियर्स शुरू होते हैं राइट जैसे बच्चे को लगता है कि एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा फेल हो जाएगा फेल होना बहुत बड़ा डर होता है स्टूडेंट के लिए ज अ लिमिट लेकिन हम तो कुछ वसुदेव कुम ये सब डाल के <laughs> पूरा वर्ल्ड का नॉलेज ले रखा है राइट एक साथ वही जो ह्यूमन ये यूज बता रहे थे की ह्यूमन माइंड नहीं है वर्ल्ड माइंड बनाना चाहिए कलेक्टिव नॉलेज जो है तो वो जो नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन ना एक तो एक दूसरे से और उसको हर सेंट्रलाइज करके ट्रांसफर होता जा रहा है ट्राइबल नॉलेज बोलते हैं ना हाँ. वैसा कुछ इधर उधर से ट्रांसफर होता जा रहा है तुम बता नहीं सकते हो ये कौन सा इंस्टिंग है ये कौन सा थॉट वाला नॉलेज ड्रिवन है, हाँ. है। कहीं ना कहीं तो रूट लेवल में कुछ मेमोरी और नॉलेज तो होना ही पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए लेकिन फियर और इससे याद आ रहा था कुछ फियरलेस वाला फियरलेस वाला तो वही कॉन्क्वरिंग फियर बोलते हैं ना जैसे इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑल दिस इज अबाउट फियर नॉट फियर जैसे के बारे में वही बोल सकते हैं। वो, वो डिस्कवर किया था तो कोई पूछ रहा था कि तो डर नहीं लग रहा था फर्स्ट टाइम जब ऐसे गए बिल्कुल पिच डार्क रहता है ना वह बिल्कुल अंधेरा रहता है बिल्कुल डर लग रहा था अंदर से बहुत सारा डर था लेकिन मैं जैसे तुमने बताया कि डर के ऊपर जीत हासिल करते हुए वो चले ही जा रहे थे मतलब ऐसा तो डर था लेकिन फिर भी कर रहे थे तो तो फ़ियरलेस नहीं है कोई भी वो कौन सा उसको बोलते हैं डेविल्स डेविल्स हाँ। तो हमने एक बार बात किया था तुम्हें याद है कि सेपरेशन सेपरेशन हाँ। के वजह से फियरलेस अच्छा। यूजी हमेशा बोलते थे करके, हाँ। तो में डर का सीन ही नहीं है राइट यू हैेशन क्यूकी अगर तुम मानो कि समुंदर में राइट समुंदर में डर लगता है हाँ, मुझे तो डर लगता है लेकिन उसमें मछली को नहीं डर लगता नेचुरल हैबिटेट में हाँ, उसको क्योंकि उसी के अंदर है उसको लग रहा है मतलब समुद्र अलग नहीं है हाँ। जैसे हम भी यहाँ रह रहे हैं हवा के इसके अंदर राइट एयर वाला है, है राइट लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि मैं अलग हूँ वो अलग है करके नहीं है राइट बैरियर नहीं है हमारा तो ऐसे घर ही है इधर ही हम तो यही रहते हैं तो हमें क्यों डर है ये जो फिश का अराउंड वाटर है राइट हम हाँ, लोग तो लैंड के ऊपर है बट एटमोसफियर है यहाँ अच्छा अच्छा तुम भी यही बोल रहे थे यही हमारा घर है टाइप हाँ, मतलब तो लिटरली हम हम मैं, लिटरली मैं मैं घर नहीं, नहीं। <laughs> तो वो वापस तुम्हारे टॉपिक पे जा रहा था पानी में तैरने वाला जो है जो सभी जानवरों को आता है जो ह्यूमंस को थोड़ी देर में आके बंद हो जाता है जैसे जैसे हमने लर्न किया फियर वैसे कुछ इमीडिएटली ट्रिगर हो जा रहा है ये हाईएस्ट फियर में हाँ ना। लेकिन वो फियर है कि नहीं पता नहीं पानी का फियर नहीं रहता क्योंकि पानी का फियर दूसरा है पानी का फियर जो है वो तो रेबिस तो <laughs> की इंसान बहुत सालों तक मतलब पानी नहीं पीता था कि वो डर के मारे अच्छा तुम्हें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन दूसरे चीजों में मिलता पानी में मिले जरूरत नहीं है सिर्फ पानी पीने की जरूरत नहीं है हमें फ्लू इनटेक की जरूरत है तो बहुत सारे ऐसी भी हैं और ज्यादा है Watermelon, इन सब में काफी water content है। ज्यादा yeah, गया पानी पीने पानी से, से भी, 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 भी मार रहे हैं लोग तो कई बार लगता है, कि हो सकता है कुछ है कुछ बात हो उस मामले में देखा जाओ तुम लाइन वहां खींचो तो वो भी काइंड ऑफ स्लोली थॉट से प्रोसेस हुआ है वो नॉलेज से ही बिल्ड हुआ है

डिफरेंस है कि डिहाइड्रेशन और जो पानी जो फ्लोइंग पानी जो रहता है हुँ. जो टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो कॉन्सेप्ट हाँ. है तो एक टाइम पे ड्रिंकिंग वाटर भी कॉन्सेप्ट है वैसे देखा जाए तो अभी तो बहुत कुछ हो चुका है कि पानी पी के मतलब डिहाइड्रेशन बट दूसरे सोर्सेस है. मतलब है दूसरी तरफ बोतल में भी पानी है दूसरी तरफ फिल्टर सिस्टम भी है मतलब... नहीं रिवर भी मान लो एक टाइम हाँ. पे रिवर भी है ना उस सब बेसिस है कि एवोल्यूशन तेरी वाले सही है करके वो तो पानी के बारे में डर वाला पता नहीं कब बैठता है बहुत जल्दी बैठ रहा है

लेकिन डर का रूट शायद वही टाइप हुआ है आ, जो सेपरेशन वाला जो है हाँ. जब तक तुम अपने को सेपरेट नहीं करोगे तब तक डर नहीं आ सकता है डर को ऑपरेट करने के लिए जैसे डर मैकेनिज्म जो बता रहा था ना बटन प्रेस करने पे वो बंदर ऐसे करने के लिए <laughs> वो मैकेनिज्म ऑपरेट करने के लिए वो चाहिए सेपरेशन चाहिए हुँ. क्योंकि अगर आ, डार्क में जैसे हो जो अंधे को क्या फर्क पड़ा बैट्स को तो डार्क में अच्छा ही लगता है बिकॉज वो दूसरे तरीके से दिखते हैं राइट

डरना <laughs> मना है नहीं डरना ना डरना जरूर, जरूरी, जरूरी, जरूरी है करके भी मूवी आई है तो इसीलिए डरना जरूरी है तो, तो आ, ये है क्यों जरूरी है क्योंकि सोसाइटी का स्टेटस को रखने के लिए जरूरी है वो सेपरेशन नहीं रहेगा डर खत्म होते ही तुम खत्म हो जाओगे या। तो, मतलब डर कैसे रह सकता है हाँ डर एग्जिस्ट नहीं कर सकता बट हालांकि उन्होंने उल्टा बोला था शायद राइट डर खत्म हो जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे क्योंकि तुम ही डर हो थॉट ही डर है उन्होंने एक किसी कॉन्टेक्स में बोला होगा और हमने उसको बना के खींच ली बिल्कुल हम अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और चलो फिर आज का तो टॉपिक काफी लंबा चला चलिए फिर अगली बार किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार